हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ लर्न इंग्लिश विद मी। उम्मीद है अभी तक आप लोगों को काफी हेल्प मिला होगा। जो हमारा करंट सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस कैसे कर सकते हैं अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये सीख रहा है। तो कल हम लोग पास्ट टेंस तक सीख चुके थे, आज फ्यूचर टेंस का एप्लीकेशन टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल हम लोग सीखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी आर टॉकिंग इन हिंदी एट प्रेजेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट यही है कि वन डे यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश टू बी कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। आप हिंदी में जब तक से सोचना नहीं छोड़ेंगे ये आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। और अगर आप इस ड्रिल को, जो प्रैक्टिस ड्रिल हम बता रहे हैं, इसको इस पे फोकस करते हैं और इंग्लिश में सोचने का हैबिट डेवलप करने की ऑनेस्टली सिंसियरली कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी आपके लिए इंग्लिश एक आसान लैंग्वेज होगी और यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल विथ दैट लैंग्वेज। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इंग्लिश हमारे लिए एक बाहरी भाषा है, कोई भी जो अंग्रेज होगा वो आपका हिंदी या भोजपुरी में कंफर्टेबल फील नहीं करता होगा। तो ये एक लैंग्वेज है, उसको उस रूप में ट्रीट करिए। हाँ, चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक लिंक लैंग्वेज है, तो सीखना अच्छा होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है, लेकिन अगर आसानी से सीख लेते हैं तो उससे कोई परेशानी भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए प्रयास करें और थोड़ा जो प्रीरिक्विजिट्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के उसको फॉलो करते रहिए। इस प्रैक्टिस के साथ एक्टिव लिसनिंग की भी प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है, इस बात को मत भूलिए। फ्यूचर टेंस के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस में बात करने के साथ साथ जो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यू शुड ऑल्सो नो दैट स्पोकन में हम फ्यूचर टेंस के लगभग बराबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके या कुछ केसेस में ओकेजनली सिंपल प्रेजेंट का यूज करके भी फ्यूचर टाइम कन्वे करते हैं। तो यहां पर हमारा फ्यूचर टाइम कन्वे करना जो है वो सिर्फ फ्यूचर टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और इसका एक कन्वेंशनल कारण है, कारण यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत जो था उसमें फ्यूचर टेंस का कोई प्लेस था ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस से ही जनरली एज ए होल आप कह सकते हैं हम फ्यूचर टाइम भी कन्वे करते थे और उसमें हम टाइम एडवर्ब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टाइम जो कन्वे होता है उसमें फ्यूचर टेंस के साथ साथ प्रेजेंट टेंस का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है और पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस का। अब जैसे सबसे पहले तो हम देख लें कि फ्यूचर टेंस में भी चार पार्ट हो ही जाएंगे, सब डिवीजन सिंपल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दीज आर ऑल थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, पर्टिकुलरली दिस वन परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। रिटन इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत रेयर यूज होता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऑलमोस्ट सेम सेंस कैन बी कन्वेड विद द हेल्प ऑफ दिस, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी है, यू कैन यूज दिस, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिकल यूज रेयर होता है। अब ये तीनों पे हम फोकस करें तो वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी वन प्लस वर्ब प्लस टाइम आप दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब में आई एन जी विल या शैल यहां पर भी होगा और इसमें परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल
shall plus have plus v3 plus object plus time। तो यहाँ पे कल हमने बात किया था कि परफेक्ट टेंस की बात जब भी होगी तो टाइम मेंशन करने में हम by प्रिफरेबली यूज करेंगे, by प्लस टाइम यूज करेंगे। कल का वीडियो आप देखते रहिएगा, उसको छोड़ करके गैप करके मत देखिए, कंटिन्यूअसली देखेंगे तभी फायदा होगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिए और सारे क्लासेस को कंटिन्यूटी में देखिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस सिंसियरली करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं, हालांकि इसका जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट एडवर्ब टाइम फॉर सिंस टाइम लगा सकते हैं। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर का। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके यूज करने की, तो इससे ज्यादा यूज हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर टाइम के लिए ज्यादा सुटेबल और ज्यादा एग्जैक्ट सेंसेस दे सकता है। इसलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, जो हम इंटेंडेड मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसको बेटर वे में कौन कर पा रहा है। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर का आप यूज करिए, क्या क्या कर सकते हैं कि आई विल फिनिश माई वर्क, या दूसरा एक कॉमन एग्जाम्पल लीजिए कि आई विल सी योर ब्रदर, या एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आई विल मैरी नेक्स्ट मंथ या वीक, कोई भी टाइम दे दीजिए। टाइम देने की पॉसिबिलिटी है, आप फ्री हैं टाइम मेंशन करने के लिए। तो अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, आई विल फिनिश माय वर्क, ये आपका डिटर्मिनेशन शो करता है। आई विल सी योर ब्रदर, ये भी आप एक कमिटमेंट, एक इन अ वे कमिट कर रहे हैं। आई विल मैरी नेक्स्ट मंथ, ये आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो इसमें अगर कन्वे करना हो और एग्जैक्ट आपको ये सिर्फ पॉसिबिलिटी हो गई, और आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आई एम मैरिंग नेक्स्ट मंथ, दिस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल जो आपको इंटरेस्ट भी करेगा और आपको थोड़ा कन्वीनियंट भी होगा समझने के लिए। अब ये आपने जब कहा तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हियर यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, प्री अरेंजमेंट्स को जब पहले से कोई चीज अरेंज्ड होता है, प्लान्ड होता है, तो आप उसको इस रूप में शो करते हैं। इसमें ज्यादा फिक्स, ज्यादा सर्टेनिटी है, ज्यादा सियोरिटी है, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड। जो रूल कहता है, जो ये सेंस कन्वे करता है, उसके हिसाब से इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा सर्टेनिटी शो करता है, क्योंकि सब कुछ अरेंज्ड है। यू आर गोइंग टू मैरी, अगेन अब मैंने अभी यूज किया यू आर गोइंग टू मैरी। तो इस सेंस को एग्जैक्ट अगर हम समझे कि क्या कन्वे करेगा, आई एम गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, तो इसमें आई एम गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, तो बी गोइंग टू प्लस बी वन। इसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस है? यहां पे जब गोइंग टू प्लस बी वन का यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट इंटेंशन शो करता है। इट फोकसेस ऑन योर प्रेजेंट इंटेंशन एंड इट फोकसेस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग, प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग। तो यहां पर सिर्फ इंटेंशन की बात हो रही है। अब ये एक जस्ट अनकलर्ड पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं रहे तो शादी
नहीं हो सकती है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक एजम्पशन है। यहां पे एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड, यहां पे यू इंटेंड टू मैरी बट द एक्ट ऑफ मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नेक्स्ट मंथ समटाइम। सो इट इज फोकसिंग ओनली ऑन प्रेजेंट इंटेंशन, आपके इंटेंशन की बात हो रही है। और यही आई विल बी मैरिंग नेक्स्ट मंथ, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है। और इसी में एक और ऐड कर लीजिए, आई विल हैव मैरिड बाय नेक्स्ट मंथ। सो ऑल थ्रू द एक्शन ऑफ मैरिज इन द नेक्स्ट मंथ, सब फ्यूचरिटी बता रहे हैं, सब फ्यूचर बता रहे हैं, लेकिन कब हम क्या यूज करेंगे और उसके हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो यहां पे मैंने अभी बताया कि सिर्फ पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। यहां पर एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड, सब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, आप प्लान कर चुके हैं, तो दिस इज मच मोर सर्टेन। यहां पर यू इंटेंड टू मैरी, आपका इंटेंशन है, दैट इज बीइंग फोकस्ड ऑन। यहां पे आई विल बी मैरिड, तो इंटेंशन की बात ही नहीं है यहां पर, एक्ट ऑफ मैरिज कि उस समय वो कंटिन्यू कर रहा होगा, तो ये भी पहले से जो प्लान होता है ऑलमोस्ट इसके क्लोज होता है ये, लेकिन थोड़ा डिटैच्ड होता है, थोड़ा फॉर्मल होता है। जब आप ज्यादा इनफॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात करते हैं तो जनरली ये यूज कर लेते हैं। आई विल बी मैरिंग नेक्स्ट मंथ, इसमें भी एक्ट ऑफ मैरिज पे फोकस किया जा रहा है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड और आप उस समय शादी कर रहे होंगे, तो ये पहले से जो प्लानिंग होती है ऑलमोस्ट उसी को ये भी कन्वे करता है। अब आई विल हैव मैरिड बाय नेक्स्ट मंथ, तो उस समय तक ये नेक्स्ट मंथ जाएगा ही, ये जरूरी नहीं है, उसके पहले ही शादी की बात कर रहा है। और यहां पे परफेक्शन की बात है कि एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड और नेक्स्ट मंथ के पहले ही शादी हो जाएगी, तो ये स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं इसको समझते हुए यू हैव टू यूज। और अब इस पे और भी कुछ एग्जांपल लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस, इसको बार बार बोल करके प्रैक्टिस करने में सुविधा हो। और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। शी विल रिलीज हर न्यू बुक नेक्स्ट वीक। ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर के बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टाइम एडवर्ब लगाने में कोई परेशानी नहीं है। अब इसको शी इज रिलीजिंग हर न्यू बुक नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। बाकी सब कुछ हम सेम ही रखते हैं और सिर्फ जो वर्ब का फॉर्म है और जो टेंस का फॉर्म है उसको हम सिर्फ चेंज करते हैं, तो उससे आपको समझने में सुविधा होगी। सी इज गोइंग टू रिलीज हर न्यू बुक नेक्स्ट वीक। शी विल बी रिलीजिंग हर न्यू बुक नेक्स्ट वीक। अब इसमें शी विल हैव रिलीज्ड हर न्यू बुक नेक्स्ट वीक,
बाय नेक्स्ट वीक, यहाँ पर बाय आ जाएगा जब परफेक्ट की बात करेंगे तो नॉर्मली आ जाता है। अब ये थोड़ा क्लमजी साउंड कर रहा है इस केस में, शी विल हैव रिलीज्ड मींस द बुक हैज बीन ऑलरेडी रिटन एंड इट हैज टू बी रिलीज्ड एंड इट विल हैव बीन रिलीज्ड बाय नेक्स्ट मंथ मींस बिफोर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा उसके रिलीज होने में। तो ये स्लाइट डिफरेंट मीनिंग हो गया, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देते हैं। तो शी विल रिलीज हर न्यू बुक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में उसका नया किताब रिलीज होगा, ये एक एजम्पशन है, ये आपका अनुमान है, दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी, इट में एक्सटेंड, ये आगे भी बढ़ सकता है, आपको सिर्फ अनुमान है, सिचुएशन देख रहे हैं, वो किताब लिख रही थी, आपको अनुमान है कि किताब पूरा हो गया होगा और नेक्स्ट मंथ में रिलीज होगा। सी इज रिलीजिंग हर न्यू बुक नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब हुआ कि सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर बुक, हर नॉवेल, वट एवर दैट बुक इज, एंड सी इज रिलीजिंग इट नेक्स्ट मंथ, एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड। ये सिर्फ इंटेंशन है, अगेन she is going to release her new book next week, she will be releasing, यहां पर अगेन आप उसके इंटेंशन के बात ही नहीं कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग कि उस समय वो प्रोग्राम हो रहा होगा उसके बुक रिलीज का, वो नेक्स्ट वीक में उसका बुक रिलीज हो रहा होगा, वो काम उस समय प्रोग्रेस में होगा, एक्शन इन प्रोग्रेस जैसे कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं उसके बारे में ये फोकस कर रहा है। So this is the difference and on this basis you have to just practice your speaking, these structures, you have to practice these structures by, while understanding the exact meaning, exact implication of these structures. अब इसमें आप कैसे करेंगे, आपके लिए जैसे हम पिछले सेशन में कुछ हिंट देते रहे, कुछ बेस देते रहे, तो यहां पे भी आप उसको फॉलो करें। इसके लिए क्वेश्चन कुछ सेट करिए अपने लिए और उस क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करिए और उस हिसाब से आप आंसर दे पाएंगे। वेयर विल यू सी मी, या व्हेन विल यू सी मी, इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आई विल सी यू एट द सिनेमा हॉल, आई विल सी यू एट द स्टेशन, आई विल सी यू एट योर प्लेस, इस तरह से इसका रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। व्हेन विल यू सी यू सी मी, आई विल सी यू एट 12 नून, आई विल सी यू एट 4 पीएम, आई विल सी यू टुमारो, जो भी टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछिए और उसका रेस्पॉन्स दीजिए, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, दैट विल हेल्प यू जस्ट रिमूव योर हेजिटेशन एज वेल। देन आप जब यस नो क्वेश्चन पूछेंगे, विल यू सी मी टुडे, तो यहां पे आपको खुद साउंड करेगा कि आर वी मीटिंग टुडे या आर यू गोइंग टू सी मी टुडे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ज्यादा इजी लग रहा है और ज्यादा नेचुरल लग रहा है, तो ये नेचुरल साउंड करेगा। विल यू सी मी टुडे, यहां पे विल का यूज
हम जब करते हैं तो इसमें नॉर्मली एक पॉसिबिलिटी सिर्फ शो करता है, और जब मैं पूछूंगा उससे तो मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ पूछूंगा कि उसमें सर्टेनिटी हो, इसलिए इसको नॉन पुश करके, इसको अवॉइड करके हम इस पे आते हैं। जब पॉसिबिलिटी की बात आने लगती है और पॉसिबिलिटी का सेंस मिलने लगता है तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करके हम कंटिन्यूअस का यूज करने लगते हैं, क्योंकि हमको सर्टेनिटी चाहिए। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें सर्टेनिटी चाहिए। तो आर वी मीटिंग टूडे, तो यस और नो वी आर मीटिंग टूडे मीन्स एवरीथिंग हैज बीन क्लियर, एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड एंड वी आर मीटिंग सून। आर यू गोइंग टू सी मी, यहाँ पर इंटेंशन की बात है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाह रहा है कि आप मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू सी यू टुडे, तो इसका आंसर उस तरह से दीजिए। तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, शुरुआत में कुछ उलझने होंगी कि विल का यूज यहां पर किया जाए नहीं किया जाए, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको कंटिन्यू करना है। कुछ गलतियां होती हैं, आप सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, दो तीन बार गिरते हैं चलाना सीख जाते हैं, वैसे ही बोलते टाइम कुछ गलतियां होंगी, आप धीरे धीरे उस गलतियों को सुधारेंगे और धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो उससे नहीं डरिए। इसमें इस कड़ी में एक बात और जान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि पहले से कुछ शेड्यूल्ड है ऑफिशियली, तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, जैसे हर शी इज कमिंग टुडे, ये कंटिन्यूअस में हुआ, आज वो आ रही है, अभी तक नहीं आई है आज आ रही है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी फ्यूचर टाइम दे रहा है। अब यहां पे जब कुछ शेड्यूल की बात करेंगे, हर ट्रेन कम्स एट 3 इन द आफ्टरनून, तो ये कम्स, तो ट्रेन का ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स होता है, तो वैसी स्थिति में ये इज कमिंग भी आप बोल सकते हैं स्पोकन में, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन नॉर्मली लोग सिंपल प्रेजेंट भी यूज करते हैं और ज्यादा यूज करते हैं। जब फिक्स शेड्यूल की बात होती है तो हम इसको यूज करने लग जाते हैं, जैसे द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जो भी है आप उसमें जब फिक्स्ड है, पहले से उसका शेड्यूल फिक्स्ड है, वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, और इसमें उम्मीद है कि ये भी ड्रिल आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसके बाद अब कुछ आपके दिमाग में होगा कि ये तो नॉर्मल तीनों पॉइंट ऑफ टाइम हो गए, कि पास्ट में कैसे कन्वे करेंगे, प्रेजेंट में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फ्यूचर में कैसे करेंगे। इसके बाद कुछ हाइपोथेटिकल एक्शंस होते हैं, कुछ अनरियल टाइप सिचुएशंस होते हैं, उसको कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उन सब कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो ये कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब हम मे माइट वगैरह का या शुड हैव वुड हैव का यूज करके कुछ अलग तरह के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सब का भी एक अलग से डेडिकेटेड क्लास हो जाएगा। उम्मीद है उसके बाद स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और फिर हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो वोकैब बिल्डिंग है उस पर हम कुछ सजेशंस देंगे और कुछ वर्ड्स भी आपको कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।